तो नहीं कह सकते हैं, डैम है, डैम गांव में डैम बोलते हैं, नदी, नदी का इलाका है, देखिए पूरी नदी है पूरी। अस्सलाम वालेकुम, जैसा कि आप देख सकते हैं हम काफ़ी दूर से आए हैं और चलने की वजह से मेरी आवाज़ नहीं सकेगी निकली। ये मंदिर है और ये मस्जिद कई सौ साल पुरानी है, ये तो बताया नहीं जा सकता। जैसा कि आप देख सकते हैं मेंबर है और इमाम साहब के लिए है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। उम्मीद के तमामी अहबाब बखैर होंगे। मोहतरम हज़रात, आज हम एक मसले के साथ तो नहीं मगर हाँ एक इंफॉर्मेशन के साथ हाज़िर हैं और बहुत ही ख़ास ख़बर है ये, और जिसको सुनने के बाद आप बेचैन बेकरार हो जाएंगे। अभी वीडियो शुरू करने से पहले, जैसे कि अभी आपने छोटा सा क्लिप देखा होगा, एक उस क्लिप के अंदर जो आपको दिखाया गया वो असल में क्या है मैं आपको बता दूँ, और उसके बाद में मुकम्मल वीडियो वो दिखाई जाएगी जो क्लिप आपने छोटा सा देखा है। सबसे पहले आप उस क्लिप के बारे में सुनिए और जो वीडियो दिखाने वाले हैं उसके बारे में सुनिए। असल में सबसे अहम बात यह है कि बिहार, इंडिया के अंदर जो सरजमीन बिहार है, इस बिहार में एक ज़िला पड़ता है नवादा। उस नवादा ज़िले के अंदर एक जिसका के नाम है हल्दिया डैम, हल्दिया डैम, इसमें पानी भरा हुआ रहता था। चूँकि डैम था, डैम हमेशा बंद रहता है और डैम के अंदर बहुत थोड़ा थोड़ा पानी निकालते हैं डैम के ज़रिए से, यानी जब ज़रूरत होती है किसी भी तरफ तो उस तरफ पानी छोड़ दिया जाता है थोड़ा बहुत, बाकी का पानी सब यूँ भरा रहता है वहाँ पर। डैम का मतलब ये होता है कि पानी को कंट्रोल में करना। लिहाजा काफ़ी दिनों से ये पानी कंट्रोल में था, मगर अभी कुछ दो चार दिन पहले ही उस डैम को किसी बिना पर खाली किया गया, उसका सारा पानी निकाला गया। और जब डैम से सारा पानी निकला तो उसके अंदर एक चमत्कार, कहिए इसको चमत्कार ही कहा जा सकता है, कि अब से तकरीबन 200-300 साल पुरानी एक मस्जिद उस पानी के अंदर निकली है। उस पानी के अंदर जो मस्जिद निकली है आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही और सालिम है, यानी 200 साल या 250 साल पानी के अंदर रहने के बावजूद वो मस्जिद गली नहीं, उसकी ईंटें नहीं गली हैं, आज भी बिल्कुल सही और सालिम है और बहुत अच्छे अंदाज़ में वो आज भी मस्जिद लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये मस्जिद है कहाँ पर, जैसे कि अभी मैंने बताया इंडिया के अंदर सरजमीन बिहार है, सूबा बिहार है, उस सूबा बिहार में एक जगह पड़ती है ज़िला नवादा, और ज़िला नवादा में हल्दिया, इस एक गाँव का नाम भी हल्दिया और उस डैम का नाम भी हल्दिया है, हल्दिया डैम इस नाम से मशहूर है। यहीं पर ये मस्जिद निकली है, बहुत सारे लोग जा रहे हैं। अब आप जो आपने क्लिप पहले देखा था उसकी मुकम्मल वीडियो अब आप अपनी माखते की आंखों से देखें और इसको शेयर करें और दिखाएं लोगों को कि वाकईतन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको महफूज रखना चाहता है या अपने घर को अगर महफूज रखना चाहे तो सालों साल महफूज रख सकता है, न वरना जिसको महफूज ना रखना चाहे वो पल भर मिटा देता है। मगर ये रब की कुदरत ही कहिए कि अब से तकरीबन 200-300 साल पहले की मस्जिद आज भी महफूज है और वो भी पानी के अंदर बिल्कुल हिफाजत के साथ है। तो आप भी इसका दीदार कीजिए और मैं भी दीदार करता हूँ, मगर हाँ शुरू वीडियो दिखाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अपना ही चैनल है सब्सक्राइब करें। बोलते हैं नदी, नदी का इलाका है, देखिए पूरी नदी है, पूरी झारखंड तक है ये बिहार, नवादा, नवादा जिला बिहार, रजौली, हल्दिया क्षेत्र है ये, हल्दिया डैम इसे बोलते हैं, हल्दिया डैम का क्षेत्र है, पूरा हल्दिया डैम का क्षेत्र है और यहाँ पानी भरा हुआ रहता है, अक्सर पूरा पानी भरा हुआ रहता है। ये मस्जिद का गुंबद, गुंबद आप ऊपर देख रहे हैं, गुंबद दिखता था पहले मगर स्थानीय लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया कि गुंबद है, पेड़ वगैरह मैंने चल के देखा है, गुंबद पे पेड़ वगैरह लगे हुए थे और इसमें तो पूरा पानी भरा हुआ रहता था, तो कई सौ साल बोल सकते हैं या कई साल से पानी इधर कम नहीं हुआ, क्योंकि तो डैम का पानी हमेशा बराबर रहता था, कम नहीं होता था थोड़ा बहुत, अब देख सकते हैं दिखता था, इस टाइम पूरा पानी कम हुआ है, पूरा पानी कम हुआ है तो लेवल नीचे आया तो लोगों ने देखा ये है क्या, तो हम लोगों ने भी आके देखा तो ये मस्जिद है, कई सौ साल पुरानी है मस्जिद, इसका तो बता नहीं सकते कितने साल पुरानी है या कई सौ साल पुरानी है, ये पूरा मस्जिद का इलाका है। ये अजानगाह जो पुराने ज़माने में अजानगाह होती थी, अजानगाह देख के तो ऐसा लगता है कि कई सौ साल पुरानी मस्जिद है, क्योंकि अगर इस ज़माने की मस्जिद होती तो उसमें माइक का प्रबंध होता है और पुराने ज़माने में मस्जिद में माइक का प्रबंध नहीं होता था, अजानगाह होती थी, ऊंची अजानगाह और ऊंची अजानगाह से अजान देते थे। मस्जिद देखिए अंदर से हमने देखा जाके, माशाल्लाह क्या बनावट है मस्जिद की, पूरा मस्जिद अंदर मिंबर है, सब कुछ है अंदर जो एक मुकम्मल मस्जिद में रहता है।
अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख सकते हैं हम काफ़ी दूर से आए हैं और चलने की वजह से मेरी आवाज़ देख रहे हैं। चलिए, ये मंदिर है और ये मंदिर कई तो साल पुरानी है, ये तो बताया नहीं जा सकता। जैसा कि आप देख सकते हैं मेंबर है और इमाम साहब के लिए है और दो सफ़े की मस्जिद है, दो सफ़े की मस्जिद है और बाहर ईदगाह है। जरा आप दिखाइए, ईदगाह है बाहर, ईदगाह है और काफ़ी सालों से ये मस्जिद पानी में थी। कितने साल से थी या कितने तो सालों से थी ये तो बताया नहीं जा सकता अभी कि कितने से सालों से थी मस्जिद। स्थानीय लोगों ने देखा जब पानी कम था तो स्थानीय लोगों ने देखा है मस्जिद, ये मस्जिद मस्जिद है। तो फिर और भी लोग आने लगे, बाहर लोगों का जमा हुआ जमा है और काफ़ी तादाद के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं मस्जिद की ज़्यारत कर रहे हैं क्योंकि अल्लाह बेहतर जानता है कि कब की मस्जिद है ये, कितने से साल की है, ये कितने साल की है पुरानी मस्जिद। काफ़ी सालों से तो पानी में डूबी थी, हम लोग भी इधर आते जाते रहते हैं, मुझे कभी तो देखा नहीं है। अब दिखाइए यहाँ पूरा इलाका घूम के दिखाइए। भाई मालूम।